कानपुर में गुरुवार को गणतंत्र दिवस पर पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोलते हुए बाइक सवार युवकों ने गंगा बैराज पर कोहना और नवाबगंज दो थानों की बनी चौकियों के बीच रोड पर स्टंट करते हुए जमकर करतब दिखाए। इस दौरान राहगीर उसका वीडियो भी बनाते रहे। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस की नींद टूटी, जिसके बाद देर रात नवाबगंज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी बाइक सीज कर दी। कानपुर में कहने को तो भले ही चौतरफा कड़ी चौकसी और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन गंगा बैराज पर गुरुवार शाम को मेन रोड पर बाइक सवार स्टंटबाज घंटों अलग अलग तरह से स्टंटबाजी करते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे किसी की जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि सड़क पर वाहनों का आवागमन लगातार हो रहा था। पुलिस कितनी मुस्तैद है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेन रोड पर स्टंटबाजी होती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इससे पुलिस सक्रियता की पोल खुल गई, जबकि गंगा बैराज पर नवाबगंज थाने की गंगा बैराज चौकी और कोना थाने की अटल घाट चौकी है। इतना ही नहीं, गंगा बैराज पर थाने के पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का पिकेट पॉइंट भी है। कानपुर का गंगा बैराज दो थानों की सीमा में आता है, इसके चलते कोहना और नवाबगंज थाने की पुलिस कार्रवाई करने के बजाय एक दूसरे के थाना क्षेत्र का मामला होने की बात कहकर पल्ला झाड़ती रही। पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लिया तो नवाबगंज पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर एक स्टंटबाज को दबोच लिया। नवाबगंज थाना प्रभारी प्रमोद पांडे के मुताबिक गाड़ी नंबर के आधार पर एक स्टंटबाज जाजमऊ का रहने वाला तारिक को अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी 185 cc की स्पोर्ट्स बाइक भी कब्जे में ले ली गई है। जांच में पता चला है कि स्टंटबाजी के दौरान एक युवक का पैर टूट गया है। पुलिस की टीम स्टंटबाजी करने वाले एक एक युवक की डिटेल जुटा रही है। इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।